शहर के निजी स्कूलों द्वारा शासन के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इसके कारण अनेकों विद्यार्थियों को नुकसान हो रहा है। बच्चों को ऑनलाइन परीक्षा से बाहर करने के विरोध में पालकों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर जिला कलेक्टर इंदौर द्वारा यह आदेश निकाला गया था कि किसी भी विद्यार्थी का फीस नहीं भरने के कारण नाम नहीं काटा जाएगा और ना ही उसे ऑनलाइन क्लासेस से हटाया जाएगा, किंतु उस आदेश को ताक पर रखकर महू की कई स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों की फीस नहीं भरने के कारण उन्हें ऑनलाइन क्लासेस से बाहर कर दिया गया है। इस प्रकार शासन प्रशासन के नियमों का पालन नहीं किए जाने से शासन के आदेशों की अवहेलना की जा रही है। सवाल यह उठ रहा है कि इन लोगों से नियमों का पालन कौन करवाएगा, जिसको देखते हुए आज सेंट मैरी स्कूल के पालक संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और कहा कि बच्चों को फीस के लिए परेशान करके उन्हें ऑनलाइन परीक्षा से बाहर कर दिया गया है। महू से अंजत मोनू बाथम की रिपोर्ट। के अकॉर्डिंग आए हैं सर, यहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा ली जा रही है। हम ये चाह रहे हैं कि अभी 3 महीने की जो शुरुआत फीस थी उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि हम लोग नहीं भर पाएंगे शुरू की तीन महीने की, तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, और फिर हम जो भरेंगे वो किस्तों में भरेंगे। स्कूल प्रशासन ने आपको क्या बोला? स्कूल प्रशासन ने बोल दिया गया, बोले नहीं आपको पूरी भरनी पड़ेगी फीस लास्ट तक की, आप भले साल के एंड तक के भरें मगर भरनी पूरी पड़ेगी आपको। यदि फीस नहीं भरी तो क्या, इसके लिए क्या बोला? बच्चों को मतलब निकाल दिया जाएगा, बोले आप लोग निकाल लीजिए, नाम काट, आप अगर नहीं पढ़ा सकते तो निकाल लीजिए बच्चों को। एसडीएम साहब ने आपको क्या बोला? एसडीएम साहब ने तो बोला है कि हम करते हैं कार्रवाई, देखते हैं। उसमें किस प्रकार से स्कूल वालों की जो मनमानी चल रही है उससे यहाँ भी आप जानते हैं कि सेंट मेरी लड़कियों का एकमात्र स्कूल है, जहाँ पेरेंट्स की इच्छा रहती है कि वहाँ पढ़ाएं। गरीब लोग भी हैं, व्यवसाय करने वाले भी हैं और छोटी नौकरी करने वाले भी, जिनकी नौकरियाँ छूट गई है। तो हम यही निवेदन करने आए थे प्रशासन से, एसडीएम साहब से, कि आप स्कूल वालों से बात करें, कम से कम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वो छोड़े ताकि लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकें। दूसरी इंस्टॉलमेंट भरने को सब तैयार हैं कि भरेंगे वो कैसे भी करके। तो मेरा यही निवेदन है, हम आप सबकी तरफ से, इन सबकी तरफ से मेरा ये निवेदन है कि एसडीएम साहब अपना वीटो लगा के, प्रशासनिक ताकत लगा के उनको बोलें कि एकमात्र जो ऐसा स्कूल है जो मनमानी कर रहा है, सेंट मेरी और राजेश्वर विद्यालय, इन दोनों स्कूलों में पेरेंट्स की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट माफ़ की जाए, क्योंकि 3 महीने लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, लोगों ने अपना चूल्हा भी दूसरों के भरोसे जलाया है। तो मेरा ये निवेदन है, हम यही निवेदन करने आए थे इनसे कि कम से कम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो फर्स्ट सेशन की इंस्टॉलमेंट थी 3 महीने की, वो माफ़ करी जाए।